हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आज आपके सामने एक बार और हमारी एस्टर आई हुई है। एस्टर का बेसिक वर्जन है, इसके अंदर जो है अलॉयज कस्टमर ने इंस्टॉल करवाए हुए हैं। इस गाड़ी के अंदर आज जो है हम कैमरा फिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये अभी हमने जो है कैमरा इसके अंदर फिट किया हुआ है। और पीछे के डोर में स्पीकर्स भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, सोनी के स्पीकर्स इसके अंदर अभी इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। साथ ही में इसको लगाने के लिए जो है बिल्कुल कपलर से कपलर फिटिंग करने के लिए क्या किया जाता है, आज हम आपको वो दिखाना चाह रहे हैं। ये जो है एक कपलर आता है कुछ इस तरीके का, ये देखिए। और ये अभी हम जो है इस कपलर के अंदर, ये जो है स्पीकर वायर है, डायरेक्ट जो है कपलर के अंदर स्पीकर वायर को इंसर्ट करके आपको हम जो है स्पीकर भी उसी कपलर से चला के दिखाएंगे। कोई वायर कटिंग नहीं करी जा रही है, डायरेक्ट पीछे से दो वायर जो स्पीकर्स के हैं वो इंसर्ट किए जा रहे हैं कपलर के अंदर, वो भी पिंस के थ्रू, जैसा कि ओरिजिनल वायरिंग में होता है। तो बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग में किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो वायर है ये हमने कपलर के अंदर लगा दिया है बिल्कुल। और ये जो कपलर है वो डायरेक्ट हमारे प्लेयर के अंदर जाएगा और ईजिली इसकी फिटिंग्स हो जाएंगी। और सारी चीज़ें हम आपको वर्किंग कंडीशन में अभी चला के दिखाएंगे। तो एक बार इसका इंस्टॉलेशन पूरा होने देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसकी सेटिंग्स होती हैं, किस तरीके से पीछे के स्पीकर्स वर्क करते हैं और कैमरा किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, कैमरे की कॉर्ड भी लगा दी है। तो अब ये सब पूरा फिटिंग कर देते हैं एक बार और फिर आपको चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब पूरे फिटमेंट्स इसके अंदर, गाड़ी के अंदर पूरी कंप्लीट कर दी है हमने। पीछे स्पीकर्स भी लगा दिए, कपलर्स वगैरह आपके सामने पूरे लगाए हुए हैं हमने। आपको सबसे पहले पीछे का जो साउंड है वो हम आपको सुनाना चाहेंगे, किस तरीके से ये चालू होता है और कैसे ये चलता है। तो आइए हम प्ले करते हैं एक NCS सॉन्ग आपके सामने। और यहाँ पर आप देखिए, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। ये था आपने पीछे का स्पीकर्स का साउंड आउटपुट। अब आपको रिवर्स गियर करके हम जो है इसके अंदर जो बैक गियर लगता है, और इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ये म्यूट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें आप ही के प्लेयर के अंदर, सेंसर्स वगैरह बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, कुछ भी इसके अंदर वायर कटिंग नहीं करी गई है। और इस तरीके से आपको क्लैरिटी के साथ कैमरा मिल जाता है। तो आप भी अपनी बेस मॉडल जो कि आप अगर MG की एस्टर लेते हैं तो ला सकते हैं हमारे पास और करवा सकते हैं कुछ इस तरीके का काम। यही दो तीन चीज़ों की कमी होती है, पीछे स्पीकर्स नहीं मिलते हैं आपको तो आप वो लगवा सकते हैं, साथ ही में कैमरा नहीं मिलता है तो कैमरा लगवा सकते हैं ये। और रूफ रेल्स भी इसकी इंस्टॉल होती है, अगर आप कंपनी से लेकर आएंगे हमारे पास तो हम रूफ रेल्स भी इसके अंदर इंस्टॉल करके दे देंगे आपको। ये तीन चार एक्सेसरीज के चक्कर में लोग क्या है इससे अपर वेरिएंट खरीदते हैं, एक अलॉयज भी आता है उसके अंदर। तो अलॉयज से लेके सारी चीज़ें जो है आपका पैसा बचाएंगी और गाड़ी के अंदर बिल्कुल कपलर टू कपलर काम होगा, अच्छा काम होगा, जैसा कंपनी काम करती है उस तरीके का काम हम आपको करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। धन्यवाद।